हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। यदि आप जानना चाहते हैं किस प्रकार की भर्ती आई है, क्या योग्यता है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस आया है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट, एसी की पोस्ट है। ठीक है, 322 इसके अंदर वैकेंसी है। 56,000 से लेके 1,77,000 रुपये तक पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। पे बैंड 3 की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है। 10 मई 2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 200 रुपये फीस लगेगी जी। एससी एसटी फीमेल कोई फीस नहीं जी। जिन लोगों की ये फीस लगेगी उनको ऑनलाइन तरीके से ही अपनी फीस जमा करवानी है। 26 अप्रैल से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। 16 मई लास्ट डेट है, शाम के 6 बजे तक। एप्लीकेशन में कोई एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है तो आप 17 से 23 मई के बीच में करेक्शन भी कर सकते हैं। गुड न्यूज साथ में ये है, अच्छी बात ये है, एग्जाम डेट भी साथ में बता रखी है, 6 अगस्त 2023 को इसका एग्जाम है। यदि एज लिमिट की बात करी जाए तो 20 से 25 साल इसके अंदर एज लिमिट रखी गई है। 20 से 25 साल एज की जो काउंटिंग होगी 1/8/2023 इस डेट से काउंट की जाएगी। जो एज में छूट होती है वो नियमानुसार आपको अलग से दी जाएगी। पोस्ट का नाम क्या है जी? असिस्टेंट कमांडेंट। कितनी वैकेंसी है? 322। इसके अंदर बीएसएफ की 86 है, सीआरपीएफ की 55 है, सीआईएसएफ की 91 है, आईटीबीपी की 60 है, एसएसबी की 30 है और योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट यूपीएससी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, पेपर 1 250 नंबर का, पेपर 2 200 नंबर का, एक ही दिन के अंदर पेपर होगा। फिर फिजिकल होगा, ठीक है, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट 150 नंबर का, मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी 600 नंबर में से। ठीक है, तो ये आपका मामला रहने वाला है। टाइप ऑफ एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो पेपर है, मल्टीपल एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। एग्जाम में क्या क्या रहेगा देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, 125 क्वेश्चन 250 नंबर के। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है यानी कि एमसीक्यू वाला, पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का, इसमें ऐसे इंग्लिश या हिंदी 80 नंबर का, कंप्रीहेंशन इंग्लिश का 120 नंबर, 200 नंबर का। फिजिकल देखिए, यहाँ पे हाइट मैन के लिए 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 81+5, 81 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, वेट 50 kg और इसमें वुमेन में 46 kg। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड में मैन के लिए, वुमेन के लिए 18 सेकंड में, आदमियों के लिए 16 सेकंड का टाइम है, फीमेल के लिए 18 सेकंड का टाइम है। 800 मीटर की रेस है 3 मिनट 45 सेकंड और लड़कियों के लिए टाइम है 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर का, इसमें वुमेन के लिए 3 मीटर का। शॉर्ट पुट है 7.26 kg का, 4.5 मीटर मैन के लिए, वुमेन के लिए नहीं है। अप्लाई कैसे करोगे? ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करोगे। इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। यूपीएससी में ये भर्ती निकली है। सीएपीएफ आप इसको बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है इसके अंदर। क्या है जी? अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है, असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो आवेदन कर लीजिएगा यदि इंटरेस्टेड हैं। आगे भी यदि आप हर प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। धन्यवाद।